नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 1 सितंबर 2023, समय 9:15 हो रहा है, 9:16। और निफ्टी 20-30 पॉइंट पॉजिटिव है, कोई खास नहीं है। और बैंक निफ्टी तो एकदम 13 पॉइंट, इसने कसम खा रखा है कि इसको कुछ करना ही नहीं है। तो फिलहाल जब इसको कुछ नहीं करना है तो हम लोग को क्या करना है? हम लोग को भी कुछ नहीं करना है, हम लोग को भी वेट करना है, और वेट करके देखना है, टाइम देना है क्या आज में मोमेंट कैसा रहेगा। जब कोई एक डायरेक्शन मिल जाएगा ना, उसके बाद हम लोग ट्रेड करेंगे, कुछ कॉल या कुछ पुट लेने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तो अभी कुछ भी मूवमेंट नहीं दिख रहा है, 9-10 पॉइंट पे चल रहा है, तो क्या करेंगे, इसको अभी अवॉइड कर लेंगे। मूवमेंट किधर है तो जियो फाइनेंशियल में मूवमेंट चल ही रहा है, मेटल में हिंडाल्को काम कर रहा है, ऑटो सेक्टर में बजाज ऑटो, हीरो मोटो है। गड़बड़ किधर दिख रहा है तो गड़बड़ दिख रहा है आपका अडानी वाला शेयर, मेन मार्केट को नीचे लाने का अडानी का शेयर ही कर रहा है। चलिए वेट करते हैं, और वेट करने के बाद देखते हैं कि कुछ मूवमेंट बनता है। बैंक निफ्टी ऐसे खराब जगह पे है नहीं, यहाँ से पोजिशन ठीक ठाक ही लग रहा है। अगर यहाँ से मामला जमता है तो लिया जा सकता है, फिलहाल वेट करेंगे। अभी कल के क्लोजिंग के पास में ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, चार्ट देख रहे हैं। बैंक निफ्टी, निफ्टी का भी इंडेक्स सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है, ये ठीक है। और बैंक निफ्टी जब तक इस रेंज के ऊपर, मैं बता दूं यहाँ पर, बैंक निफ्टी जब तक इस रेंज के ऊपर, यानी कि कल वाले रेंज जो बना रखा है, आज के लिए स्ट्रेटेजी मैं आपको यही दे रहा हूँ कि जब तक बैंक निफ्टी इस रेंज के ऊपर नहीं निकल जाए, जो कि 2 दिनों से आप इसी रेंज में फंसता हुआ देख रहे हैं, यानी कल पूरा का पूरा इस रेंज में बिता दिया, तो आपको इस रेंज के ऊपर यानी कि 44,120 से लेके 44,150 के ऊपर निकलने पर आप जो है आप 44,200 का कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं, और 44,100 का भी कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, ठीक है, ये है। और अगर ये नीचे निकलता है 43,900 के नीचे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर 43,900 के नीचे निकलता है तो आप फिर पुट ऑप्शन लेंगे, 43,900 के ही स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लेंगे। तो बेसिकली जब तक इस रेंज में फंसा हुआ है आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर वेट करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो ये है, आज 1 सितंबर है और 2023, और ये आरके ट्रेडिंग। तो आज के लिए ये स्ट्रेटेजी है, नज़र रखिए इस पर और वेट एंड वॉच। समय दोस्तों 10:17 हो गया। देखिए, मैंने एक पुट ऑप्शन लिया था 43,600 का, उसमें छोटा सा एक प्रॉफिट हो रहा है, और एक पुट ऑप्शन मैंने लिया हुआ था 44,000 का, उसमें मुझे 700-800 का प्रॉफिट हो रहा है। तो आज का समझिए वीकेंड हो गया, हमारा काम फिनिश हो गया, ऊपर हाई भी गया तो ज़बरदस्त तरीके का। तो मैं इसको बुक कर लेता हूँ और यहाँ से अब मैं सिस्टम को बंद करूँगा। एक्चुअली मैंने आप लोगों को भी पुट ऑप्शन दिया था, और ये मैंने वीडियो बना के भी आप लोगों को दिया है कि भाई किसके नीचे आपको क्या करना है, यहाँ प्रॉपर वीडियो बना के दिया। और अब देखिए आपके टारगेट भी 43,900 का जो पुट ऑप्शन है उसके फाइनल टारगेट 260 हैं। तो चलिए ज़रा देखें कि क्या चल रहा है 43,900 का पुट ऑप्शन। आप देखेंगे तो इसने 250 का हाई लगा दिया है ना, तो 250 का मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ नियर फाइनल टारगेट, नियर फाइनल टारगेट नहीं लिख सकता हूँ भाई, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी समझिए। देखिए कोई कष्ट नहीं है, बस आप लोग स्टडी पे ध्यान दीजिए और प्रॉपर सीखिए, समझिए, ट्रेड करिए, डरिए नहीं, डरने से कुछ नहीं होगा। आप डरेंगे, स्टडी नहीं प्रॉपर रहती है तो डरता है लोग। जब आपकी स्टडी प्रॉपर है तो आप डरते क्यों हैं? आप प्रॉफिट बुक करके बाहर हो जाइए, है कि नहीं? जैसे मैं बुक कर लिया, यहाँ से बाहर हो गया, यहाँ से एक छोटा सा लिया था पुट ऑप्शन, इसमें भी कैसा प्रॉफिट बन गया, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो एक छोटा सा प्रॉफिट, छोटा सा कैपिटल से अपना काम हो गया, बहुत अपना फिनिश हो गया। आप लोग को भी दिया, चाहे JSW स्टील दिया, उसमें भी टारगेट आ गया। देखिए चलिए मैं आपको JSW स्टील भी दिखाता हूँ। JSW स्टील यहाँ देखिए, JSW 804 का फाइनल टारगेट है। JSW स्टील की बात करें तो वो चल रहा है 803.80, यानी कि फाइनल टारगेट, ऑल टारगेट डन हो गया JSW स्टील। चलिए मैं चेक करता हूँ JSW स्टील, देखिए 804 का फाइनल टारगेट दिया था,
और इसने देखिए 800 3.95 का हाई मार दिया है ना, और फाइनल टारगेट डन है ना, JSW स्टील ऑल टारगेट डन नहीं हुआ। बताइए कितना कोई चीज नहीं बस, लेकिन आप कुछ सीखेंगे नहीं समझेंगे नहीं तो भैया मैं क्या, मैं कुछ नहीं कर सकता मालिक है ना। चलिए हैप्पी वीकेंड हो गया, आज ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं छोटा छोटा वीडियो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। समय दोस्तों 11:02:36 हुआ। देखिए एक कॉल ऑप्शन मैंने 3 लॉट ले लिए थे 44,300 का, जब बैंक निफ्टी नीचे आया और एक अच्छा जगह पर से यानी कि 43,800 के पास से जो बाउंस किया, तो वहाँ से मैंने एक कॉल ऑप्शन लिया था और उसमें एक मूवमेंट है और मूवमेंट अच्छा खासा बन गया। मुझे लग रहा है ये बैंक निफ्टी ने अब ऊपर के रेजिस्टेंस एरिया जो 44,100 वाला बन रहा है, इसके ऊपर अगर ये निकल जाएगा तो एक बड़ा मूवमेंट देखने को बन सकता है। तो मैंने यहाँ से 3 लॉट उठाए थे, लगभग देखिए 114 के आसपास में मेरा एवरेज प्राइस था, उसमें 1600-1700 का प्रॉफिट बन गया है। तो आज का वीकेंड तो ऐसे भी हो गया, कॉल में भी प्रॉफिट बनाया और पुट में भी बनाया। पुट में मैंने आप लोगों को दिया था, हैप्पी वीकेंड करवा दिया और लास्ट में एक रिस्क लेके मैंने यहाँ पे 1700 का प्रॉफिट इसको भी मैंने बुक कर लिया है ना। तो अच्छा काम रहा और फ्राइडे में बन गया, कोई टेंशन नहीं है, एक 1700-1800 का इधर और उधर 700 का उधर अपना काम बन गया, बहुत ही सुंदर सा प्रॉफिट बना है। और अगर ये जो रेजिस्टेंस एरिया है कल वाला ध्यान रखिएगा, अगर ये एरिया ब्रेक हो जाए जो 44,100 के आसपास आता है फिर तो ज़बरदस्त, अभी का हाई लगाया 44,80 का, अगर ये 44,100 को ब्रेक कर जाता तब तो आप किस लिए 44,200 के लेवल को भी आराम से ये क्लेम करने की क्षमता रखता है ना। चलिए अपना काम हो गया, मैं प्रॉफिट बुक कर लेता, वो जाए नहीं जाए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। 3,000 दोस्तों हो गया, देखते देखते 3,300-3,400 का प्रॉफिट बन गया, क्योंकि बैंक निफ्टी ने वही 44,100 वाला रेजिस्टेंस ब्रेक किया जो मैंने बोला था कि ये एरिया के पास अगर आता है ब्रेक करता है तो एक मूवमेंट बनेगा जो 44,200 को भी क्लेम कर सकता है। तो इस कैंडल का अगर हाई देखते हैं तो 44,337 का इसने हाई लगाया है, तो लगभग आप समझिए कि अपना काम ऊपर का इसने फिनिश भी कर दिया है। और आज है फ्राइडे, वीकेंड है, तो हो सकता है कि अब यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बन चुका है, तो अब मैं यहाँ से एक बार प्रॉफिट को बुक कर लेता हूँ। तो ये मैंने प्रॉफिट को बुक कर लिया और कोई टेंशन वाली बात नहीं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद।